देवंश, मेरा नाम अंसारी नदीमा सईद है। मैं मोहम्मदी उर्दू स्कूल की 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। मैंने टूनटास्टिक 3D एनिमेशन टूल में एक मूवी बनाई हूँ। मेरे मूवी के टॉपिक का नाम है कडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। टूनटास्टिक एक ऐसा ऐप है जिसमें हम अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके अपना कार्टून बना सकते हैं। मैंने इस टूनटास्टिक ऐप में खुद से ड्राइंग बना के अलग अलग कैरेक्टर लेके तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बताया है। मैंने जो तडोबा फॉरेस्ट मूवी बनाई है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। वेलकम तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। हेलो, आज मैं आप लोगों को तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बताऊंगी। क्या आप लोगों को पता है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1955 में तडोबा नेशनल पार्क बना जो कि 116 स्क्वायर किलोमीटर था। इसके बाद वेलकम तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। हेलो, आज मैं आप लोगों को तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बताऊंगी। क्या आप लोगों को पता है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1955 में तडोबा नेशनल पार्क बना जो कि 116 स्क्वायर किलोमीटर था। इसके बाद 1986 में अंधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना जो कि 509 स्क्वायर किलोमीटर था। इसके बाद 1995 में तडोबा नेशनल पार्क और अंधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपस में मिल गए हैं और अब इसका नाम तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है जो कि कुल मिलाकर 625 स्क्वायर किलोमीटर है। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में पहले सिर्फ टाइगर ही रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का मेन टारगेट है टाइगर को रिलीज करना, उनकी पॉपुलेशन को बचा कर रखना ताकि आगे भी टाइगर रह सके। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 टाइगर रिजर्व करके रखा गया है। 2010 में तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की आबादी और बढ़ गई जो कि 1100 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके आसपास बफर जोन हो गए, बाहर एक छोटी सी आबादी बच गई है जो कि बफर जोन है और अंदर का इलाका कोर जोन है जहां जानवर रहते हैं। अंदर बहुत ही कम लोग जाते हैं। कभी कभी खाने की तलाश में कुछ जानवर बफर जोन में आ जाते हैं और किसानों की फसलें खा जाते हैं। फिर किसान फॉरेस्ट के मेजरमेंट से शिकायत करते हैं और बदले में उन्हें भरपाया मिलता है। धीरे धीरे बफर जोन के लोगों ने वहां अपना काम शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने वहां के बांबू से तरह तरह के क्राफ्ट की चीजें बनानी शुरू कर दी। बफर जोन के 10 डोर है कोर डोर में जाने के। फॉर एग्जाम्पल, राम देगी, अली जानजा, कोलारा, मंदनापुर, पानगाड़ी, मामला, सिरकड़ा, जुनूना, अगरजारी, देवाडा। जब बाहर से कोई टूरिस्ट आते तो बफर जोन के गाइड उन्हें अंदर टूर करवाते जीप के जरिए। कोर जोन में एक बटरफ्लाई पार्क भी है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस पार्क में बहुत सुंदर सुंदर फूल है। बटरफ्लाई भी है डिफरेंट बर्ड भी है डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, फिश ईगल, टाइगर डेंटिन, डक, स्वान एक्सेट्रा। वहाँ के फूलों पर तितलियाँ बैठती हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। मेरा नाम है सिद्धेश पवार और मैं 7th स्टडी में पढ़ता हूँ। अब मैं 8th स्टडी में गया हूँ। मेरे स्कूल का नाम ज्ञान मंदिर स्कूल है और समर कैंप में मैंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें मेरा टॉपिक है तडोबा नेशनल पार्क। उस पे हमने वीडियो देखा, फिर गाइडलाइन बताई गई, वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन निकाला और उसको हम टूनटास्टिक एप्लीकेशन में बनाया। एप्लीकेशन सीख के थैंक यू। हेलो सर,
गुड आफ्टरनून सर, आपका ताडोबा नेशनल पार्क में स्वागत है। थैंक्स, पर मैं इस पार्क में पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे इस पार्क के बारे में कुछ नहीं पता। आप मुझे यह पार्क दिखा के ला सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं, ये तो मेरा काम ही है। तो चलिए मैं आपको इस पार्क का सफर करवाता हूँ। हाँ चलो। क्या तुम मुझे इस पार्क के बारे में जानकारी बता सकते हो? क्यों नहीं सर, बताता हूँ। ताडोबा महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इस ताडोबा अंधारी बाघ संरक्षित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के राज्य के चंद्रपूर जिले में स्थित है और नागपुर शहर से लगभग 150 किमी दूर है। बाघ रिजर्व का कुल क्षेत्र 1727 वर्ग किमी है, जिसमें वर्ष 1955 में बनाया गया ताडोबा नेशनल पार्क शामिल है। वाओ, ये तो पार्क तो बहुत ही बड़ा है। हाँ सर, ये पार्क बहुत बड़ा है। ऐसा क्या है इस ताडोबा नेशनल पार्क में? ये पार्क में 2010 की बाघों पर राष्ट्रीय जनगणना की माने तो रिजर्व में लगभग 43 बाघ है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। ताडोबा नेशनल पार्क को तीन अलग अलग वन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ताडोबा उत्तर सीमा, मोहरली रेंज और कोलसा दक्षिण सीमा। पार्क में तीन जल स्रोत है, ताडोबा नदी, ताडोबा लेक और कोलसा झील। इन तीनों क्षेत्रों में सफारी की अनुमति है। इसके अलावा ये पार्क कई क्षेत्रों में भी विभाजित किया गया। अच्छा, तो इस पार्क में कौन कौन से प्राणी है? आइए सर, मैं आपको मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आइए सर, ये देख सर, आइए मेरे पीछे पीछे आइए आइए। ये देखिए सर, यहाँ पर सांप है और आगे आइए और ऊपर देखिए सर, ऊपर बंदर है और आगे आइए, यहाँ पर बाघ भी है और बहुत सारे प्राणी भी है इस जंगल में। इस पार्क में कितने गेट है और कौन कौन से हैं? इस पार्क में 5 गेट है जो सफारी वाहनों को पार करने की अनुमति देते हैं। पहला मोहरली गेट, दूसरा कुसवांडा गेट, तीसरा कोलारी गेट और चौथा पांगड़ी गेट और पांचवा जारी गेट। यह 5 गेट वाहनों को पार करने की अनुमति देता है। अच्छा, तो पार्क कौन से दिन बंद रहता है? ताडोबा नेशनल पार्क मंगलवार को बंद रहता है और जून से अक्टूबर तक बंद रहता है। मैंने या इस पार्क का टिकट तो निकाला, पर मुझे इधर के टिकट के बारे में जानकारी दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, ताडोबा नेशनल पार्क में प्रवेश करने की टिकट 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। पार्क में घूमने के लिए अगर वाहन लेते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए देने होंगे, कैमरा ले जाने के 2 रुपए और अगर आप अपने कोई गाइड रखना चाहते हो तो उसके लिए 100 रुपए देने होंगे। अच्छा, तो मेरा और एक सवाल है, अगर ताडोबा नेशनल पार्क जाना है तो हवाई जहाज से कैसे पहुंच सकते हैं हम? अगर हवाई जहाज से जाना है तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। यह पार्क का नजदीक हवाई अड्डा है। नागपुर हवाई अड्डे से ताडोबा पहुंचने के लिए कई सड़क परिवहन उपलब्ध है और रेल से पार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन चंद्रपुर रेलवे स्टेशन है। यह पार्क से 45 किमी दूर है। स्टेशन दिल्ली, मुंबई, झांसी, हैदराबाद और चेन्नई जैसे देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से ट्रेन को जोड़ता है। फिर सर, आपको ताडोबा नेशनल पार्क का सफर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, पर अब मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ पे कोई आराम करने की जगह है क्या? हाँ है ना, चलिए आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे पीछे पीछे। आइए सर, ये देखिए सर, यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। ओके थैंक्स, बाय बाय सर।
My name is Sujal Zure. I am studying in 8th standard. And my topic name is History of Shaniwarwada. And tool name is तो काइंड हिस्ट्री ऑफ शनिवार वाड़ा सब्जेक्ट मैंने इसलिए चूज किया कि मुझे शनिवार वाड़े के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की इंटरेस्ट था मुझे, क्योंकि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, तो ये सोच के मैंने ये शनिवार वाड़ा ये सब्जेक्ट चूज किया है एज अ टूरिस्ट जैसे एयरप्लेन किया है। तो थैंक यू। शनिवारवाड़ा भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक दुर्ग है, जिनका निर्माण 18वीं सदी में 1746 में किया था। यह मराठा पेशवाओं की गद्दी थी। जब मराठाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से नियंत्रण खो दिया तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तब मराठाओं ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्ग खुद को काफी हद तक एक अस्पष्टीकृत आग से 1838 में नष्ट हो गया था, लेकिन जीवित संरचनाओं अब तक पर्यटक स्थल के रूप में स्थित है। मराठा साम्राज्य में पेशवा बाजीराव जो कि छत्रपति शाहू के प्रधान पेशवा थे, इन्होंने ही शनिवारवाड़ा का निर्माण करवाया था। शनिवारवाड़ा का मराठी में मतलब शनिवार तथा वाड़ा का मतलब टीक होता है। शनिवारवाड़ा की नींव का काम 10 जनवरी 1730 को शुरू हुआ। 22 जनवरी 1732 को शनिवारवाड़े की नींव करके वास्तु शांति की गई। 1732 के बाद भी बाड़े में हमेशा नया बांधकाम बदल होते गए। बुरुज के दरवाजे का काम होते होते 1760 ये वर्ष आया। 1808, 1812, 1813 इन वर्षों में छोटी बड़ी आग लगने की दुर्घटनाएं हुई। तो 17 नवंबर 1817 को बाड़े पर ब्रिटिशों के निशान लगे। इसके बाद यहाँ कुछ समय तक पुणे के पहले कलेक्टर हेनरी डंडास रॉबर्टसन रहते थे। बाड़े में तुरुंग, पंगु गृह, पुलिस का निवास स्थान था। 1828 में बाड़े में बड़ी आग लगी और आग में अंदाजे सर्व इमारतें जल गई। आगे लगभग 90 साल बाद बाड़े की दुर्व्यवस्था खत्म होने का योग आया। 1919 में बाड़ा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया और बाड़े का उत्खनन करने का काम शुरू किया गया। उस समय बाड़े में कोर्ट के लिए उपयोग में लाई जाने वाली इमारत बाड़े संबंधी अनेक घटना दुर्घटना है। बाड़ेतील पेशवे के कार्यालय में अनेक वीर और मातब्बर राजकारण के दाव के लड़के लड़कियों का विवाह इसी बाड़े में होता था। शनिवार बाड़े के आगे एक प्रांगण में सैनिकों की सभा होने लगी। आचार्य अत्रे ने संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन इसी प्रांगण से लड़ा। बाड़े के प्रांगण में मारुति का सभा मंडप था। ये मंदिर लॉयड्स पुल बांधने वाले केंजले ने बांधा। मंदिर में 19 मार्च 1924 को मारुति की मूर्ति बिहार गई। माई नेम इज खान शबनम मकसूद अहमद। मैं मोहम्मदी उर्दू हायर स्कूल की 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है बीबी का मकबरा। मैंने ये वीडियो काइंड मास्टर ऐप से बनाया है। ये ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए हम कोई भी फोटोज से वीडियो बना सकते हैं अपनी वॉइस ऐड करके। ओके। भारत का दूसरा ताजमहल कहलाने वाला बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बीबी के मकबरे को औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मदरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। ये मुगल अंपायर के वजूद को दर्शाता है। बीबी के मकबरे की खास बात यह है कि उसके अंदर बनी कब्र लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब्दुल्ला ने बीबी के मकबरे को डिजाइन किया था। इस मकबरे को बनाने के लिए 10 साल लगे। 1651 से लेकर 1661 तक मरम्मत चली। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि बीबी के मकबरे को बनाने के लिए लगभग 7 लाख रुपए खर्च हुए। इसका गुम्बद पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है और बाकी के चीजें प्लास्टर की गई है। इसमें लगने वाले पत्थर जयपुर के हकार से लगाए गए थे।
आजम शाह बीबी के मकबरे को ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता था, लेकिन कम पैसों की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है और आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप भी इसे विजिट कर लीजिएगा। My name is Khan Ikra. I am from Mohammadi Urdu High School and I study in 10th class. So guys, आज जो मेरा project है, उसका topic है blog writing. अब आप सोच रहे होंगे कि blog writing होता क्या है? तो चलिए friends, मैं आपको बताती हूँ कि blog writing आखिर होता क्या है. Blog writing का मतलब होता है, ये एक तरह का online journal है, या तो फिर इसे informational website भी कहा जा सकता है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर राइटर या ग्रुप ऑफ राइटर्स अपने व्यू को किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पर शेयर करते हैं. हम इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यू इंफॉर्मेशन अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, उसे पोस्ट कहते हैं. सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉग राइटिंग में किस तरह आप अपने पेज को डिजाइन करते हैं, किस तरह अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं एंड एक्सेट्रा. सो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ आपको अलग अलग टूल्स बताऊंगी कि मैंने किस तरह क्रिएट किया है. एक मिनट. सो जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है कंपोज व्यू और एक होता है HTML. जो कंपोज व्यू होता है ना, अगर आप उसे चूज करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं. और जो HTML होता है, अगर आप उसको चूज करते हैं तो फिर आपको बैकअप में कोडिंग देनी होती है, जिसका आउटपुट आप प्रीव्यू पोस्ट में आपको देखने को मिलता है. जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कंपोज व्यू और HTML का ऑप्शन यहाँ पर होता है. उसी तरह मैंने कंपोज व्यू का ऑप्शन ना लेते हुए HTML व्यू का ऑप्शन लिया है, ताकि मैं कोडिंग के थ्रू अपने पेज को डिजाइन कर सकूं. इसमें जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, यहाँ पर प्रीव्यू पोस्ट में जाकर आपको अपना आउटपुट देखना होता है. यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो एंड्रॉइड में किस तरह दिखेगा, टैब में किस तरह दिखेगा, PC में किस तरह दिखेगा. इस तरह अलग अलग वे में आप अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं. सो गाइज, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की तरफ लेकर चलती हूँ. तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका टॉपिक है द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ तारापुर. तो द न्यूक्लियर पावर, नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ तारापुर. सो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ तारापुर है, उसमें मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियर पावर होता क्या और किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एक तरह का थर्मल पावर स्टेशन है. इसमें जो हीट सोर्स होती है वो वही न्यूक्लियर रिएक्टर है. इसमें हीट सोर्स के थ्रू जनरेट किया जाता है, फिर स्टीम के जरिए टरबाइन को चलाया जाता है, और फिर इसकी जो स्टीम होती है उसके थ्रू टरबाइन को चलाया जाता है, और फिर इस न्यूक्लियर पावर के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं, उस न्यूक्लियाई में यूरेनियम एटम्स को जब अलग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इस तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ तारापुर. नाउ वी लर्न अबाउट तारापुर. तारापुर एक एटॉमिक पावर स्टेशन है जो लोकेटेड है नियर बॉयजर थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ये शुरू हुआ था भारत का पहला एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट. इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इसमें एटॉमिक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्लांट करेंगे 1963 में. इन सारे प्रोसेस में 123 एग्रीमेंट डील हुए थे बिटवीन इंडिया एंड US. नाउ एटॉमिक पावर स्टेशन, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्टेड इन इंडिया, कब और कहां से भारत में स्टार्ट हुआ था. तो 11 अक्टूबर 1960 इंडियन गवर्नमेंट ने एक टेंडर रखा था जिसमें इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन तारापुर के करीब जो है उसे सिलेक्ट किया गया था, जहां पर 2 रिएक्टर्स थे.
का को यूज किया जाता था। अराउंड 150 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी 1965 में। यूनिट 1 एंड 2 ऑनलाइन खरीदा गया था कमर्शियल ऑपरेशन के लिए, जो 210 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे इन ऑन 28 अक्टूबर 1969। लेकिन उसे रिड्यूस करके 160 मेगावाट कर दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि उस दौरान कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से 210 मेगावाट को रिड्यूस करके 160 मेगावाट कर दिया गया। रिसेंटली प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूनिट्स का यूज किया जा रहा है, जिस 540 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यूनिट 3 है जो उसे ऑनलाइन खरीदा गया था कमर्शियल ऑपरेशन 18 अगस्त 2006 में और यूनिट 4 को 12 सितंबर 2005 में। द फैसिलिटी इज ऑपरेटेड बाय द एनपीसीआईएल, जो ये सारे फैसिलिटी थी वो ऑपरेट करती थी एनपीसीआईएल। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट खत्म होता है। सो गाइस थैंक यू फॉर योर माय प्रोजेक्ट। एवरीवन गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मलिक अजहर अहमद, मैं ज़हीर अहमद, माय स्कूल नेम इज मोहम्मद उर्दू हाई स्कूल, आई एम 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज जो मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है अमूल आइसक्रीम प्रोसेसिंग फैक्ट्री। अमूल कंपनी फार्मर से मिल्क कलेक्ट करती है। मिल्क कलेक्ट करने के बाद फैक्ट्री के कुछ एक्सपर्ट लोग मिल्क का क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक करने के बाद टैंकर से मिल्क को अनलोड किया जाता है। अनलोड करने के बाद उससे आगे का प्रोसेस चालू होता है। इस सेपरेटर मशीन की वजह से मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है। उसके बाद स्टेबलाइज इस मशीन की वजह से मिल्क में शुगर क्रीम एंड स्टेबलाइजर फ्लेवर को मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस मशीन की वजह से ड्राई फ्रूट कट किए जाते हैं। कट किए हुए ड्राई फ्रूट आइसक्रीम में मिक्स किए जाते हैं। मिक्स करने के बाद आइसक्रीम के कप में आइसक्रीम फिल करती है। उसके बाद आइसक्रीम के कपों को बड़े बॉक्सों में पैक किया जाता है। उसके बाद उसे मार्केट में सप्लाई किया जाता है।